ठीक है। अब मल्टीमीटर आपके सामने देखो, ये मैंने, ये कॉमन है हमारा, ठीक है, स्विच ऑन है बैटरी मीटर का, देखो स्विच ऑफ करके मैंने, देखो अब मैं 3 वोल्ट पर लगा रहा हूँ, जो मल्टीमीटर पर रीडिंग है वो शो नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन मैं स्विच ऑन करूंगा तो देखना 3 वोल्ट शो होगा मल्टीमीटर पर। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स बनाने में या फिर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स बनाने में या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से, मतलब थोड़े बहुत, मतलब प्रोजेक्ट बनाने में अगर थोड़ा बहुत भी आप इंटरेस्ट रखते हो, फिर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपका मतलब इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपको बिल्कुल भी मतलब कोई पसंद नहीं है सब चीज़ें बनाना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाने का आपको कोई शौक नहीं है, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको शौक है बहुत ज़्यादा, तो ये वीडियो सच में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि आज मैंने बनाया है एक बैटरी एलिमिनेटर। दोस्तों, बैटरी एलिमिनेटर क्या होता है पहले आप वो सुन लो। तो दोस्तों, बैटरी एलिमिनेटर क्या होता है, देखो बैटरी एलिमिनेटर मतलब एक तरह का एक डिवाइस हम कह सकते हैं। बैटरी एलिमिनेटर बेसिकली एक डिवाइस होता है, वो क्या करता है, मतलब हम उसको क्या करते हैं, एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि डायरेक्ट 220 वोल्ट मतलब एसी सप्लाई में हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे अडैप्टर होता है ना, मतलब कि जो मतलब 220 वोल्ट जो एसी होता है उसको 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब एक अडैप्टर होता है उसके अंदर। तो वो अडैप्टर क्या करता है, मतलब जो करंट होता है यानी कि वोल्टेज होती है वो कम कर देता है 12 वोल्ट तक। तो मतलब वो होता क्या है, बेसिकली बैटरी एलिमिनेटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है, वो क्या करता है, मतलब हम उसमें से, उसमें मतलब आपको स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिख रहा होगा उसकी, जो मतलब काफ़ी टाइप्स का आता है वो बैटरी एलिमिनेटर, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का दिखाई देता है बैटरी एलिमिनेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक मतलब एक रेगुलेटर टाइप एक स्विच लगा हुआ है जिसको हम रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने से क्या होता है, हम इसकी वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि हम इसे जितनी वोल्टेज चाहे हम उतनी वोल्टेज ले सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से आज मैंने भी कुछ इस तरह की ही चीज़ बनाई है, एक बैटरी एलिमिनेटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ, मैंने इसको कैसे बनाया, क्यों बनाया, किस तरह से बनाया, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसको बनाने में सच में दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं नहीं चाहता कि यार मेरी मेहनत वेस्ट होए और आपको भी मतलब कुछ भी ना मिले इस वीडियो से, कोई भी नॉलेज ना मिले। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है पूरी सेफ्टी के साथ किया गया है, तो आप ऐसा कुछ बिगड़ता करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर करना ही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से देखना होगा, अच्छे से आपको अपना मतलब आपको अपना दिमाग यूज़ करना होगा कि मतलब मैं किस तरह से क्या कुछ आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, हमारे पास बैटरीज के लिए क्या ऑप्शन होते हैं, देखो एक होती है हम सिंपली हमारी ये 1.5 वोल्ट का 1.5 वोल्ट का एक बैटरी, कुछ इस तरह की सेल हम जिसे कह देते हैं, ठीक है, ये 1.5 वोल्ट का होता है। अगर हम इसको दो सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दें, यानी कि इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, देखो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, देखो मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ, ये देखो ये इसका नेगेटिव होता है और ये इसका पॉजिटिव होता है। अगर मैं इसके नेगेटिव को इसके मतलब इसको मैं स्लॉट के अंदर डाल दूँ, मतलब इस बैटरी होल्डर के अंदर डाल दूँ, फिर इसके बाद यहाँ पर अगर मैं इस नेगेटिव को इसके पॉजिटिव मतलब दूसरे वाले के पॉजिटिव के साथ में इस वाले नेगेटिव को कनेक्ट कर दूँ, तो मतलब देखो यहाँ पर जो है इसका नेगेटिव, देखो इस वाली ध्यान से सुनो दोस्तों, प्लीज़ आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ये वाली बैटरी का जो नेगेटिव है, ये वाला देख रहे हो आप सेल, ये वाला, इसका जो नेगेटिव है आप थोड़ा ध्यान से देखो, इसका नेगेटिव जो है इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हुआ हो रहा है, देखो है ना। अब यहाँ पर एक ये इसका नेगेटिव के साथ मतलब दोनों आपस में जुड़ गए, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ गए, तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्मिनल्स बच जाते हैं, एक नेगेटिव इधर वाला, एक नेगेटिव इसका, मतलब सॉरी पॉजिटिव इसका और एक नेगेटिव इसका। तो मतलब हमें पता है कि कोई भी बैटरी हो उसके नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो देखो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, ये बन गई हमारी 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 कितना हुआ, मतलब 3 वोल्ट हुआ, तो ये 3 वोल्ट की एक बैटरी बन गई, ठीक है। अब ये बन गई, ये बनी नहीं सॉरी ये एक 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, आप सभी को पता होगा, और ये एक 12 वोल्ट की बैटरी है, देख सकते हो आप 12 वोल्ट की बैटरी है, मोटरसाइकिल बैटरी है, पर मैं इसे मोटरसाइकिल में यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है। बेसिकली हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास इतनी सारी बैटरीज होती हैं, हमें कभी 3 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, कभी हमें 9 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, कभी हमें 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब इतनी सारी बैटरीज का सोल्यूशन है बैटरी एलिमिनेटर। अब बैटरी एलिमिनेटर क्या होता है, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया। तो
अब बैटरी एलिमिनेटर क्या है, थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, तो उसके लिए क्या है, यहाँ मैंने एक खुद ही मतलब घर पर एक मैंने बैटरी एलिमिनेटर बनाया। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट, मतलब इतने सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आप इस एक ही छोटी सी मतलब इस बैटरी की मदद से, ये एक ही बैटरी है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब कोई मैंने यहाँ पर बहुत सारी बैटरीज यूज़ की हैं कि एक 12 वोल्ट की बैटरी इसके अंदर डाल दी, एक 9 वोल्ट की बैटरी इसके अंदर डाल दी, मतलब ऐसा नहीं किया मैंने। ये सिर्फ एक बैटरी है और वो एक ही बैटरी आपको 3 वोल्ट भी दे रही है, 6 वोल्ट भी दे रही है, 9 वोल्ट भी दे रही है और 12 वोल्ट भी दे रही है। तो मतलब अब ये बनाया कैसे, अब आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको बनाया कैसे। तो इसके लिए मैं आपको पूरी जो इसके अंदर जो डायग्राम वगैरह आपको बनाकर दिखाऊंगा, वायरिंग मैंने किस तरह से की इसकी, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब वो देखो कैसे किया। तो दोस्तों देखो, देखो मैं आपको सिंपल सिंपल तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों होता क्या है, देखो हमारे पास में क्या है, एक 1.5 वोल्ट का हमारे पास में एक सेल होता है, सभी के पास होगा, आपके पास भी इस तरह का एक 1.5 वोल्ट का सेल होगा। जो ये सेल होता है ना, हम जिसे मतलब डबल ए साइज सेल कहते हैं, इसकी जो वोल्टेज होती है वो होती है 1.5 वोल्ट। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है 1.5 वोल्ट, है ना, ये 1.5 वोल्ट का जो ये सेल होता है दोस्तों। अब हम क्या करें, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या किया मैंने। तो दोस्तों देखो यहाँ पर एक सेल है, मैं आपको इसकी ड्रॉ कर देता हूँ, ये सेल है एक। अगर आपको थोड़ी मतलब बुरी लग रही है मेरी ड्राइंग तो उसके लिए सॉरी, मेरी ड्राइंग मतलब ऐसी ही है, कुछ खास है नहीं, मतलब आपको सिर्फ एक एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये देखो, ये हमारा एक सेल होता है, ठीक है, 1.5 वोल्ट है इसका, ये 1.5 वोल्ट का एक सेल है, ठीक है। इसका ये पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, सभी को पता होगा, है ना। आप सोच रहे हो इसमें क्या खास बात है, लेकिन अगर हम इसको एक और सेल हम आपस में कनेक्ट कर दें दोस्तों, आप ये समझने की कोशिश करो, अगर हम कोई भी दो बैटरीज ले लें, कोई भी दो बैटरीज ले लें, जैसे मेरे पास यहाँ पर 1.5 वोल्ट की दो बैटरीज, अगर मैं इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दूँ दोस्तों, सीरीज़ जो होता है ना, सीरीज़ कनेक्शन आपने पढ़ा होगा कहीं पर, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा सीरीज़ कनेक्शन। सीरीज़ कनेक्शन बेसिकली होता क्या है, एक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस या किसी भी चीज़ का या फिर किसी बैटरी का, उसका जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉइंट दूसरे वाले के पॉजिटिव के साथ अगर हम उसे कनेक्ट कर दे तो वो बन जाता है सीरीज़ कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है। देखो सीरीज़ में क्या हुआ, यहाँ पर एक और सेल मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखो एक और सेल आ गया यहाँ पर, ये भी 1.5 वोल्ट की है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है उसके लिए सॉरी। ये देखो मैं जल्दी जल्दी अब मतलब ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको थोड़ा लग रहा होगा। तो देखो यहाँ पर दो सेल्स आ गए हमारे पास, देखो ना, ये देखो यहाँ पर दो सेल है हमारे पास, है ना, ठीक है, दो सेल आ गए हमारे पास। हमने क्या किया, इस वाले सेल का जो पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, ठीक है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ हमें जोड़ना है। देखो ये एक वायर ली मैंने, उस वायर को मैंने इसके साथ मतलब वायर ली एक, ये देखो ये वायर है एक, इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। अब आप सभी को पता है कि कोई भी बैटरी है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो जाते हैं, अब अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूँ तो यहाँ पर एक नेगेटिव बचता है और एक पॉजिटिव बचता है, ठीक है। तो ये बन जाती है हमारी 3 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो जहाँ पर जैसे मेरे पास में यहाँ पर एक बैटरी होल्डर है, मैं इसके अंदर आपको सेल डालकर दिखाता हूँ। ये देखो मैंने दो लिया और इसके अंदर डाल दिया, अब मैं आपको जो है मतलब चेक करा के दिखाता हूँ कि ये 3 वोल्ट की बैटरी हमारी बन गई। दोस्तों मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ मल्टीमीटर से, देखो यहाँ पर एक सेल है, ठीक है, ये सेल हमें पता है 1.5 वोल्ट का था, देखो ये नेगेटिव पर लगाया और ये पॉजिटिव पर लगाया। देखो दोस्तों वोल्टेज आप देख सकते हो 1.57 इसकी वोल्ट्स आ रही है, लेकिन हमने इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, एक और मतलब सेल लिया और उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, तो उससे क्या हुआ, इसकी वोल्टेज है वो डबल हो गई, क्योंकि दो सेल है तो डबल ही होगी ना। तो एक ये नेगेटिव रहा इसका एंड और ये रहा पॉजिटिव एंड, ठीक है। अब इसका नेगेटिव मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ और इसको पॉजिटिव, अब वोल्टेज देखना आप कितनी शो करती है मीटर पर, ये देखो 3.10, मतलब उतना ही हो गया, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है उसमें कोई बात नहीं। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो अगर हम किसी बैटरी के पॉजिटिव दूसरी बैटरी के साथ जोड़ दें नेगेटिव के साथ, तो वो जो बैटरी है वो सीरीज़ में कनेक्ट हो जाती है और जो वोल्टेज है वो भी डबल हो जाती है। तो मतलब इसी सेम चीज़ को मतलब ध्यान में रखते हुए मैंने ये बैटरी एलिमिनेटर बनाया। अब वो कैसे बनाया, अब उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा उसके लिए भी मतलब आपको सारी डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो, अब आप भूल जाओ कि हमने 1.5 वोल्ट की मतलब सेल्स यूज़ किया। तो दोस्तों ये क्या हुआ, अब हम इसको मतलब मैंने क्या किया, मतलब दो सेल्स लिए और उनको क्या हो गया आपस में टेप कर दिया,
ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा 3 वोल्ट का बैटरी बन गया, ठीक है। अब 3 वोल्ट की बैटरी हमारी बन गई, तो इसके साथ की मैंने, मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक दिखाया ना, उसके साथ के मैंने पूरे 4 लिए। यानी कि देखो देखो 4 क्यों लिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पर, देखो 3 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक है, ठीक है। अब 3 वोल्ट है, देखो ये 3 वोल्ट बन गया। अब ऐसा थोड़ी है ना कि एक बार 3 वोल्ट के लिए यहाँ पर 3 वोल्ट के लिए रख दिया, फिर दूसरी तरफ 6 वोल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बैटरीज यूज़ की, 9 वोल्ट के लिए 3 बैटरीज यूज़ की, 12 वोल्ट के लिए 4 बैटरीज यूज़ की, ऐसा नहीं किया मैंने। बल्कि मतलब इन्हीं को मतलब आपस में सीरीज में कनेक्ट करता गया करता गया करता गया, ऐसे ही किया मैंने। तो वो कैसे किया वो देखो, देखो मैंने क्या किया, 3 वोल्ट की मतलब एक मतलब बैटरीज बन गई थी, तो 3 वोल्ट की मैंने, देखो ये जी बैटरी हमारी, 1 2 3 4, यहाँ हमारे पास में 4 बैटरीज आ चुकी हैं 3 वोल्ट की, ये भी 3 वोल्ट की, ये भी 3 वोल्ट की, और ये भी 3 वोल्ट की, और ये भी 3 वोल्ट की। तो ये 3 वोल्ट की बैटरी बनी कैसे, वो ये उसकी डायग्राम ये रही, प्लस को माइनस के साथ कनेक्ट कर दिया तो बन गई 3 वोल्ट की बैटरी। ये मतलब टोटल डबल ए साइज़ के जो सेल होते हैं ना, डबल ए साइज़ के जो सेल होते हैं, ठीक है, वो मैंने पूरे 8 यूज़ किए, मतलब पूरे 8 डबल ए साइज़ के जो सेल होते हैं मैंने इसको बनाने में यूज़ किए हैं। तो उन सबको कनेक्ट करा तो मैंने 3 वोल्ट की बैटरीज बन गई। मैंने आपको बताया कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ऐसा ही हुआ, देखो यहाँ पर कोई पॉजिटिव छोड़ा इस, मतलब पॉजिटिव एक है टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे वो बन गई 3 वोल्ट की 4 बैटरीज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो हमें, मतलब मैंने मतलब क्या किया, देखो मैं इसको थोड़ा यहाँ पर रख देता हूँ ताकि आप थोड़ा समझ सको आसानी से। तो देखो यहाँ पर, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देख रहे हो COM लिखा हुआ है मैंने, उसका मतलब है कॉमन। कॉमन क्या हुआ, मतलब ये नेगेटिव के लिए है, मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल है हमारी बैटरी का। देखो मैंने क्या किया, ये वाली बैटरी देख रहे हो आप, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो मैंने बाहर निकाल लिया। एक वायर ली मैंने, मतलब पहले वाले के मतलब नेगेटिव टर्मिनल में से एक वायर निकाल ली, ठीक है। ये वायर निकाल ली एक बाहर, बिल्कुल बाहर ले गया इस वायर को, मतलब इस वायर को ज़्यादा हमें कुछ काम नहीं, ये वायर का बस सिर्फ एक ही काम था जो हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक बच जाता है यहाँ पर, एक इसका पॉजिटिव रह गया। अब इस पॉजिटिव को हम इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव देख रहे हो आप, इसको हम इसके नेगेटिव, मैंने बताया ना सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है वोल्टेज डबल हो जाती है, अगर मैं इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दूँ तो ये बन जाएगी 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, बन जाएगी ना। अब मैं इस वाले के प्लस वाले, मतलब इसके पॉजिटिव टर्मिनल को बोले, इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दूँ तो ये बन जाएगी 9 वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट 9 वोल्ट हो गया। अब इसके प्लस मतलब इसके पॉजिटिव टर्मिनल को इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दूँ तो ये बन गई 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, 3 × 4 12 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 12 वोल्ट की जो अब डायग्राम देख रहे हो ना अभी अपनी स्क्रीन पर, वो बेसिकली एक मतलब 12 वोल्ट की बैटरी का डायग्राम है, मतलब ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ये देखो, ठीक है, ये 12 वोल्ट की बैटरी का डायग्राम मैंने बना दिया। लेकिन यहाँ पर हमने बैटरी एलिमिनेटर बनाने, वो 3 वोल्ट भी दे रहा है, 6 वोल्ट भी दे रहा है, 9 वोल्ट भी दे रहा है और 12 वोल्ट भी दे रहा है। तो उसके लिए क्या किया मैंने, देखो ये 3 वोल्ट का था, मतलब ये नेगेटिव तो चलो कॉमन है, हमें इसकी कोई, मैं इसको कुछ भी हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको कुछ भी हमें नहीं करना। अब जो प्लस वाली वायर आ रही है, हमने मैंने इसके बीच में क्या किया, मतलब इसको तो माइनस के साथ कनेक्ट किया ही है, देखो इसके बीच मैंने कट लिया और इसके बीचों बीच में से एक वायर काट ली, एक वायर देख रहे हो आप जो मेरे मतलब मैंने ड्रॉ किया अभी, ये जो है ये 3 वोल्ट देगा, देखो अब ये तो 3 वोल्ट देगा। अब जब इसको हमने इस वाली बैटरी को इस वाली बैटरी के साथ में सीरीज में कनेक्ट किया तो ये 6 वोल्ट देगा, तो इसका जो पॉजिटिव है, तो जो इसका जो पॉजिटिव है वो हमें 6 वोल्ट देगा। यहाँ से फिर से मैं एक वायर बीचों बीच कट लिया और 6 वोल्ट दे दिया, फिर दोबारा वही किया, मतलब 3 बैटरीज, मतलब 3 9 वोल्ट की, सॉरी 3 3 वोल्ट की बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट किया और देखो 9 वोल्ट बन गया। ठीक उसी तरह यहाँ पर मैंने पॉजिटिव के लिए यहाँ पर जब आया, मतलब जिसको फिर से जब हमने इसको मतलब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से साथ किया तो यहाँ पर पॉजिटिव हमें लास्ट में पॉजिटिव एंड बच गया, वो 12 वोल्ट हो गया। तो कुछ इस तरह से हमने जो है बैटरी एलिमिनेटर बनाया। देखा आपने, ये हमारा नेगेटिव हो गया, देखो ये पॉजिटिव है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन जो ये वाला है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव रहेगा यानी कि कॉमन, ठीक है। तो इस ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना अभी, ये वाली इस वाली डायग्राम को
भूल जाओ, मैं इस वाली डायग्राम की बात कर रहा हूँ। तो जब डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम से ही ये बैटरी एलिमिनेटर बना है। हाँ, रही बात स्विच की, तो स्विच मैंने किस तरह से लगाया, देखो स्विच क्या किया मैंने, स्विच भी मतलब बहुत सिंपल है। मैंने जो कॉमन वायर थी नेगेटिव वाली, मतलब एक स्विच लिया, देखो ये स्विच है, ठीक है, सपोज कर लो स्विच है एक, इसके यहाँ पर दो होती है ना टर्मिनल्स। तो मैंने क्या किया, जो कॉमन वायर थी जो बैटरी में से आ रही थी उसको इसके साथ, ठीक है, तो मैंने नेगेटिव को जो हम पहली वाली जो 3 वोल्ट की बैटरी थी उसके नेगेटिव को मैंने इसके नेगेटिव, मतलब इस स्विच में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, मतलब इसके साथ मैं कनेक्ट कर दिया। और एक और यहाँ से वायर लिया और इसको मैंने, जो आप स्क्रू देख रहे हो यहाँ पर कॉमन पर जो एक स्क्रू लगा हुआ है उसके साथ में, मतलब मैंने एक स्क्रू लगा दिया यहाँ पर, एक स्क्रू लग गया, ठीक है, एक स्क्रू लग गया यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से बना है हमारा बैटरी एलिमिनेटर। तो देख सकते हो दोस्तों, ये मतलब काफ़ी सिंपल भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा टफ भी नहीं है इसको बनाना, लेकिन आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे मैं इसको बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो प्लीज़ यार, एक वीडियो को इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर बनता है। और आप में से मतलब पता है, बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कितनी बेकार चीज़ बनाई है इसने, कितनी मतलब यूज़लेस चीज़ है, मतलब या फिर कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि ये फेक चीज़ है, ऐसा कुछ तो ये बना ही नहीं सकता घर पर, इस चीज़ को बना बना इम्पॉसिबल है, घर पर बनाना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत सोचना है, सच में दोस्तों काम करता है। मैं आपको इसका टेस्ट भी दिखाने वाला हूँ। देखो ये जो डायग्राम देख रहे हो, अगर आप इस डायग्राम को देखकर आप खुद बनाओगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप भी इस चीज़ को बनाओगे और फिर आपको पता चल जाएगा। जब खुद अपना टाइम स्पेंड करोगे, आप जो मतलब पैसे खर्च करोगे मतलब इस प्रोजेक्ट को बनाने में, बैटरी एलिमिनेटर को बनाने में, फिर आपको पता चलेगा कि ये फेक है या फिर नहीं। ऐसे मतलब मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, आपको भी लग रहा होगा कि फेक चीज़ है, लेकिन फेक बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, मैं फेक वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाता। तो देखो यार, मैं आपको इसका टेस्ट भी दिखा देता हूँ। देखो आप डायग्राम में, सच में कह रहा हूँ, अगर आपको अब बनाने का आप सोच रहे हो तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से देख सकते हो किस तरह से मैंने इसको बनाया है। तो अब मैं कुछ टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देखो तो मैं टेस्ट कैसे करूँगा, तो दोस्तों टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो ये जो है ना कॉमन वायर है, अब आप देखो, अब यहाँ पे आपको शायद बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये मतलब ये 3 वोल्ट है, मतलब कोई भी बैटरी हो उसका तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर 3 वोल्ट तो सिर्फ एक है, 6 वोल्ट के लिए एक है, 9 वोल्ट के लिए एक है, 12 वोल्ट के लिए एक है, और ये कॉमन है, ये मतलब नेगेटिव है, लेकिन ये कोई नेगेटिव ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 वोल्ट के लिए है, 6 वोल्ट के लिए, 9 वोल्ट के लिए, 12 वोल्ट के लिए, ये चारों ही के लिए, मतलब 3 वोल्ट के लिए, 6 वोल्ट के लिए, 9 वोल्ट के लिए और 12 वोल्ट के लिए, तीनों सॉरी चारों के लिए ही एक कॉमन, मतलब एक कॉमन नेगेटिव टर्मिनल है, जैसा आपने डायग्राम में दिखाया है, मैंने आपको डायग्राम में देखो ठीक उसी तरह से मैंने इसको बनाया है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, एक नेगेटिव लूँगा, पहले नेगेटिव को कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, मतलब क्लिप की मदद से मैं नेगेटिव कनेक्ट कर देता हूँ, और फिर एक पहले आपको मैं 3 वोल्ट से चेक करा देता हूँ। देखो 3 वोल्ट है, अब मैंने इसको 3 वोल्ट पर लगा दिया। अब मैं आपको इसकी मदद से एक फ़ैन, मतलब डीसी मोटर आपको मैं चला कर दिखाता हूँ। देखो देखो मेरे पास में एक फ़ैन है, देखो कितना बड़ा फ़ैन है ये, बिल्कुल सीलिंग फ़ैन की तरह लग रहा है ना। तब मैं इसको जो है रन करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ, मोटर के साथ मैं अटैच कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों, देख सकते हो बिल्कुल फेक वीडियो नहीं है। देखो मैं इसको इसके साथ लगा देता हूँ। अब देखो मैंने तो है वायर को कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये जो मोटर है वो ऑन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, सोचो क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों जो स्विच है वो भी ऑफ पर है। अगर मैं स्विच को ऑन करूँगा तभी जो है मोटर हमारी काम करेगी। देखो ये देखो मैंने स्विच, देखो आप सोच रहे हो ना फेक वीडियो है, देखो जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा ना, देखना ध्यान से देखना, ये स्विच ऑन होगा जैसे ही, देखो स्विच ऑन होते ही फैन ऑन हो जाएगा। देखो दोस्तों आप देख सकते हो फैन की स्पीड, आप थोड़ी नोटिस कर सकते हो, फैन की आवाज़ भी आप देख सकते हो कितनी है। अब जो मैं इसको मतलब 6 वोल्ट के साथ लगा दूंगा, देखो ये तो 3 वोल्ट पर था, अब मैं इसको 6 वोल्ट पर लगाऊंगा, क्योंकि वोल्टेज अब ज़्यादा हो जाएगी। देखो जैसे तो फ़ैन की स्पीड भी ज़्यादा हो गई और जो आवाज़ है फ़ैन की वो भी ज़्यादा हो गई। अब मैं इसको 9 वोल्ट पर लगा दूंगा, ठीक है, अब मैं इसको 9 वोल्ट पर लगा रहा हूँ। देखो इसकी स्पीड सच में बहुत ज़्यादा हो गई, इसकी हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मतलब मज़ा आ गया, मतलब मुझे काफ़ी पसीना आ रहा था, मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है ये देख लगाने, फ़ैन ऑन करने पर। अब मैं 12 वोल्ट पर लगाऊंगा, अब देखना ये देखो, देखो कितना ज़्यादा आपको मतलब। मैं एक और टेस्ट दिखा देता हूँ उसका, कि ये सच में फेक नहीं है जो बैटरी एलिमिनेटर मैंने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है फेक नहीं है। इसके लिए आपको एक और टेस्ट दिखा देता हूँ, मैं आपको सिंपल बिना फैन लगाए मैं आपको डीसी मोटर जो है रन करके दिखाता हूँ। ये देखो सिंपल मोटर ले लिया मैंने, अब मैं इसको पहले 3 वोल्ट पर लगा के दिखाता हूँ।
देखो ये लग गया, पहले मैं इसको 3 वोल्ट पर ही लगाऊंगा। देखो देखो स्विच लगाने का यही फायदा है कि हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब मैंने मान लो कोई वायरिंग कर दी, कोई सर्किट बना दिया, उसमें स्विच ना लगाओ तो अब इस तरह से मतलब हम बैटरी एलिमिनेटर को स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखो अब आवाज़ सुन सकते हो मोटर की। देखो मैं थोड़ा पास ले आता हूँ जिससे कि आपको आवाज़ क्लियरली सुन सके। दोस्तों जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो मोटर की आवाज़ है। अब मैंने उसको 3 वोल्ट पर लगाया हुआ है, अब मैं उसे 6 वोल्ट पर लगा रहा हूँ। आप कुछ नहीं देख पा रहे हो मुझे पता है, लेकिन आप सुन सकते हो मोटर की आवाज़ 3 वोल्ट पर है। अब आप सुनोगे 6 वोल्ट पर, देखो आप डिफरेंस देखना कितना है। ये 6 वोल्ट पर लगाया मैंने, अब मैं 9 वोल्ट पर लगाने वाला हूँ। 9 वोल्ट के साथ मैं लगा दूंगा। अब आवाज़ देखना कितनी ज़्यादा लाउड हो जाएगी। अब मैं 12 वोल्ट पर लगा दूंगा। अब फिर से मैं 3 वोल्ट पर लगा दूंगा। देखो दोस्तों कुछ इस तरह से होता है हमारा बैटरी एलिमिनेटर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को अभी आपको ये लग रहा होगा ना कि वीडियो फेक है, तो देखो एक और टेस्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। इसका लगता है आप लोग ऐसे नहीं मानोगे, आपको एक और टेस्ट देना ही पड़ेगा। अब देखो यार मल्टीमीटर पर कितने लोगों को भरोसा है, सभी को होगा है ना। मल्टीमीटर कभी गलत नहीं हो सकता। हमारा बैटरी एलिमिनेटर हमारे पास है, डायग्राम हमारे पास है। आप सोच रहे हो कि डायग्राम गलत है, कुछ भी बनाकर दिखा रहा है, कुछ भी बकवास है, मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखो ये मतलब जो बैटरी एलिमिनेटर है आपको टेस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मल्टीमीटर आपके सामने देखो, ये कॉमन है हमारा, ठीक है। स्विच ऑन है बैटरी एलिमिनेटर का, देखो स्विच ऑफ करके मैंने, देखो अब मैं 3 वोल्ट पर लगा रहा हूँ। जो मल्टीमीटर पर रीडिंग है वो शो नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन मैं स्विच ऑन करूँगा तो देखना 3 वोल्ट शो होगा मल्टीमीटर पर। ये देखो 2.70, मतलब मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। 6 वोल्ट पर लगाऊंगा तो देखो, 9 वोल्ट पर लगाया, 12 वोल्ट पर, अब भी यही मानते होगे शायद आप लोग कि वीडियो फेक है। अगर आपको लग रहा है वीडियो फेक है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हो ना यहाँ पर जो टेप लगाई है, टेप सिर्फ एक डिज़ाइन के लिए, और यहाँ पर पीछे की तरफ आप देख सकते हो एक होल दिया हुआ है, ये बेसिकली वेंटिलेशन के लिए है। यानी कि अगर मतलब हवा जो अंदर बाहर मतलब क्रॉस होती रहे, जिससे कि बैटरी अगर गर्म होती है तो वो कूल होती रहे। यहाँ पर मैंने स्क्रूज़ लगाए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ मैंने कुछ स्क्रूज़ की मदद से मतलब इसको सपोर्ट देने के लिए कुछ इस तरह से लगा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो खूब सारी हॉट ग्लू यूज़ की, एक तरह का मतलब एक बॉक्स है, मतलब बेसिकली एक बॉक्स ही है वैसे एक तरह का, उसके ऊपर बस स्क्रूज़ लगा दी। यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉमन 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, मतलब जितनी वोल्ट आपको चाहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको डायग्राम आप अभी भी देख सकते हो फेक अगर आपको लग रहा है तो।